केंद्र में बीजेपी की सरकार होना कहीं ना कहीं तमाम मंत्रियों के लिए बड़े फायदे के रूप में सामने आता नजर आता है। चाहे मुख्यमंत्रियों की बात कर लीजिए, चाहे कार्यकर्ताओं की बात कर लीजिए, चाहे मंत्री पद पर बैठे उन तमाम बड़े चेहरों की बात कर लीजिए जो राजनीति में एक नया चेहरा या नया सितारा बनकर उभर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के और केंद्र में सरकार के मुख्य चेहरे पीएम मोदी के दाहिने हाथ कहलाते हैं। आपको सीधे तौर पर बता दें तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह 2029 के चुनाव में पीएम रेस में हैं। जी हाँ, ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह की जो जोड़ी है या फिर यूं कहे कि जो तिलमिलाहट है वो एक लंबे समय से चलती आ रही है। योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहीं ना कहीं भारी पड़ती ही है, ऐसा तमाम सूत्रों के हवाले से खबरें कहती हैं। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री मोदी के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में या यूं कहें कि महालोकसभा चुनाव में आखिर पीएम की दावेदारी कौन पेश करेगा? गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए और बीजेपी नेतृत्व को संभालने के लिए बड़े चेहरे के रूप में लगातार उभर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच के जो रिश्ते हैं वो बेहद खटासपूर्ण हैं। हालांकि राजनीति में एक बेहतर रिश्ता दोनों ही बड़े चेहरे दिखाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की जोड़ी के चर्चे चारों ओर हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हैं और तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यूपी में वापसी कर सकती है। अगर वापसी की तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं दी जाएगी क्योंकि 2029 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में पीएम की दावेदारी पर रखा जाएगा। देखना ये अहम होने वाला है कि जो ये कयासबाजियां अभी से चलनी शुरू हो गई हैं, आखिर 2029 तक राजनीति कैसे मुड़ेगी।